विद्युत निगम का निजीकरण होने के विरोध में मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारी ने सोजत रोड सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर 2 घंटे का सांकेतिक धरना देते हुए विरोध जताया। कर्मचारी ने कहा कि ठेका प्रथा के कारण पहले ही लोगों के काम नहीं हो रहे हैं और ठेका प्रथा अधिक होने से उपभोक्ताओं की समस्याएं बढ़ जाएगी, इसलिए हम ठेका प्रथा का निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। सांकेतिक धरने में सोजत रोड, सोजत सिटी और आसपास के भारतीय मजदूर संघ से जुड़े कार्मिकों ने धरना दिया। पार्टी को बंद करो, बंद करो, पार्टी को बंद करो, बंद करो, एमबीसी मॉडल हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, एमबीसी मॉडल हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। थोड़ा यूरो भी बनाओ। सोजत रोड उपखंड पर हम सारे कार्मिक मिलकर निगम प्रशासन और राजस्थान सरकार द्वारा जो पीपीपी मॉडल पे पाली को दिया जा रहा है उसके विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए निगम और राजस्थान सरकार को चेताते हैं कि हम किसी प्रकार का निजीकरण किसी हद तक भी सहन नहीं करेंगे और इसके लिए अगर निगम हठधर्मिता करती है तो हमें इस कोरोना काल में भी सड़कों पर उतरते हुए जन आक्रोश के साथ जनता को सचेत करते हुए आंदोलन को विस्तृत रूप में ले जाएंगे। उसके लिए स्वयं सरकार और निगम प्रशासन जवाबदार रहेगा। क्या नुकसान होगा इसको निजीकरण होने से? निजीकरण से जबकि सरकार और निगम प्रशासन की दलील है कि हम अच्छी और गुणवत्ता वाली बिजली देंगे, जबकि पूर्व में FRT लगाई थी उस समय भी यही कहा गया था कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देंगे। आज भी FRT के संबंध में सभी लोग जानते हैं कि जनता को बेहतर सेवाओं की बदौलत बजाय उनको नुकसान ही पहुंच रहा है और उनकी समय पर कंप्लेंट भी नहीं निकलती है। जो 6 घंटे में ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत संबंधी शिकायतें दुरुस्त होनी चाहिए वो 24 घंटे 48 घंटे तक पूरी नहीं होती है। अतः हम FRT के साथ साथ इस MBC मॉडल का भी विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये FRT और MBC मॉडल पूर्णतः रोक नहीं लग जाती है।